जो ये कितना बड़ा चैलेंज होगा कि मैंने 1 मिलियन चैनल और 3.5 लाख का रेवेन्यू बन रहा हूँ महीने का और सब कुछ ठीक ठाक है, व्यूज भी अच्छे अच्छे आते हैं, उसको मैंने फिर दोबारा शिफ्ट किया, दूसरा चैनल बनाया। इतना आसान है नहीं। यूट्यूब पे हर स्टोरी को कोई पसंद नहीं करेगा ना, ठीक है? क्या सलमान खान की हर मूवी चलती है क्या? अपने आपको अटकाओ मत, एक मत डालो, 10 डालो, ये यही होता है यूट्यूब पे। यूट्यूब पे कोई एक वीडियो किल होती है, ठीक है? यूट्यूब पे सब्सक्राइबर महत्व देता है या व्यूज? व्यूज मैटर करता है, सब्सक्राइबर डजंट मैटर। सब्सक्राइबर एक नंबर, सिर्फ एक नंबर है। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे। नेक्स्ट सवाल, बैठ जाओ भाई, तो बैठ आपका जो 1 मिलियन वाला चैनल था, 1 मिलियन सब्सक्राइबर बंद कर रखा है, तो आगे आप उसको कुछ और करना चाहोगे, क्या करना चाहोगे? बंद नहीं रहेगा, हम करेंगे आगे। मैं यही बताना चाह रहा हूँ, आप सोचो जो ये कितना बड़ा चैलेंज होगा कि मैंने 1 मिलियन चैनल और 3.5 लाख का रेवेन्यू बन रहा हूँ महीने का और सब कुछ ठीक ठाक है, व्यूज भी अच्छे अच्छे आते हैं, उसको मैंने फिर दोबारा शिफ्ट किया, दूसरा चैनल बनाया। इतना आसान है नहीं, नहीं। तो ये मुझे कॉन्फिडेंस था कि यार मैं यहाँ कर सकता हूँ तो यहाँ भी कर सकता हूँ, लेकिन ये सफर इतना आसान नहीं था, बट हुआ। भाई ये क्वेश्चन है, मैं अभी मेरा कंटेंट जो है ना, मैंने 60 ब्लॉग्स बनाए थे, ठीक है? मेरे मिक्स चैनल का एक एल्गोरिदम है, वो कई बार क्योंकि आप गाइडलाइन होगी तो वो वीडियो हटाओगे, जब वो वीडियो हटाओगे तो उस वीडियो पे जो व्यूज आ रहे होंगे या ट्रैफिक आ रहे होंगे वो ट्रैफिक जाम हो जाएगा। तो बहुत आसान तरीका बताऊं, घर वालों को कॉन्फिडेंस। तो ये बताया, आपका सवाल सही है, घर यही टेंशन मुझे यहाँ खींच के लेकर आई है। ये प्रॉब्लम आपकी नहीं, 90% लोगों की प्रॉब्लम है कि घर वालों को कॉन्फिडेंस में लेना इतना आसान नहीं है भाई। सब कोई सोल्यूशन नहीं है, या तो आप अपना काम मत छोड़ो तो घर वालों को लगेगा यार कि ये कुछ भी कर रहा है, लेकिन अपना काम तो कर रहा है ना, जिससे आपका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। जिस दिन वहां से रेवेन्यू जनरेट हो जाए तो ऑटोमेटिक वो मानने लगेंगे। ये पिछले 10 दिन में मेरे चैनल पे 2000 सब्सक्राइबर आए हैं, उसमें दिखा भी दिया, जैसे कि आपको दिख रहा होगा 14 प्रो वगैरह भी ले लिया है, उसमें दिखा दिया, फिर भी मना करते हैं। तो ये साथ मतलब स्टडी भी करता हूँ मैं, पढ़ाई भी। प्रॉब्लम को यार कॉन्फिडेंस में लेना। देखो अपने इंडिया में डांसिंग सिंगिंग को आज भी घर वाले कहते हैं कि ये रोटी देगा, ये काम ऐसे कहते हैं ना घर वाले। आज भी थोड़ा परसेप्शन चेंज हो रहा है उनका, लेकिन अभी भी आप रूरल एरिया में चले जाओगे, मेरी दादा दादी हमेशा ये कहते थे भाई क्या कर रहा है तो कोई रोटी थोड़ी देगा, ये क्या गाना गा रहा है। क्रिकेट को कहते थे अबे क्या कर रहा है तो रोटी देगा, लेकिन आज वो रोटी दे रहा है। तो कॉन्फिडेंस में आप कब लोगे ना? पाल बॉर्डर से मैं अरबाज भाई से फाइनल मिल लिया हूँ, और मेरे दिमाग में बहुत सारा क्वेश्चन था लेकिन वो अरबाज भाई ने सॉल्व कर दिया। लेकिन एक क्वेश्चन और, अरबाज भाई आप शादी कब करोगे? ये कोई सवाल है? शादी का ये ऑडियंस का सवाल है, ये सवाल का जवाब। ये आपके चैनल पे जितने भी मतलब व्यूअर होंगे उसमें से कुछ फीमेल भी होंगी, भाई को पेन समझ, वो भाई को जवाब देंगे। वीडियो अपलोड करा था उसपे एज रिएक्शन आ गया था, तो क्या इससे चैनल पे कोई फर्क पड़ेगा? मैंने कहा भाई देखो टेक्निकल लाइन का सवाल मुझसे ना करे क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं है इसमें, ठीक है? अब आप समझ लेना। दूसरी चीज क्या है कि अगर एज इससे मेरे हिसाब से यार कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, जहां तक मुझे नॉलेज है, फिर भी मुझे ज्यादा नॉलेज है नहीं स्पीड में। अच्छा, ये टेक्निकल वालों को ज्यादा पता होगा कि मेरे साथ अभी तक ऐसा हुआ नहीं। अच्छा, कितना साफ सुथरा कंटेंट डालोगे तो कभी कोई दिक्कत आएगी नहीं। फेसबुक पर वीडियो पहले वायरल नहीं होती, लेकिन जब वायरल होती है तो ज्यादा भागती है, लेकिन रेवेन्यू कम जनरेट होता है। अच्छा, रेवेन्यू यूट्यूब पर ज्यादा मतलब? इनकी वीडियो डाली मेरी वायरल हुई, 1-2 लाख व्यू आए, तब मैं घर के डालता हूँ तो मिल नहीं पाता, तो बहुत कम व्यू आ रहा है। तो वही चीज आ गई कि आप किसी के फेस का आपने सहारा लिया, कोई बुरी बात नहीं है, आपने डाला उस पर व्यूज आ गए, ठीक है? मेरे साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि आप डालोगे मैं लिख के दे रहा हूँ, किसी के 100, 200, 500, 1000 से ज्यादा व्यूज आएंगे नहीं। वजह क्या होती है, मीटअप में ना हमेशा ज्यादातर वो फेस वही चलते हैं जो कॉन्ट्रोवर्शियल होते हैं इस तरीके से। लेकिन इसमें भाई मेरी प्रॉब्लम थोड़ी है कि मैं तो अपने चैनल पे व्यूज लेकर आ रहा हूँ ना, ये तो आपका टैलेंट है, आप कैसे लेकर आओगे, ठीक है? तो अल्टीमेटली लोग, मैंने जैसा कहा था ना कि लोग क्या चाहते हैं, लोगों को वही पसंद है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये गाइस मैंने ये कर लिया, और गाइस अभी स्टेज पे लड़ाई हो गई, क्या है यार? अब भाई हमारा चैनल है हिस्ट्री ऑफ ब्लॉग, उसमें जो है हम अगर मकबरा, लाल किला इसके बारे में बताते हैं तो हमारी वीडियो पे व्यूज नहीं आ रहे। हाँ। अभी हम मेट्रो में काम करते हैं। हाँ। तो मेरठ लाइन पे अगर हम मेट्रो के बारे में बताते हैं तो उस पे हमारे पे व्यूज आ रहे हैं। अरे बहुत शानदार ना, अब उसी पे काम करो, उसी पे काम करो। और एक आपके पास एक अच्छा मौका पता क्या है कि जब आप किसी भी बड़े बड़े उसके चले जाओ जो अपने फील्ड में सक्सेस हो चुका है, वो एक वीडियो नहीं डालता होगा अपने पीरियड में, वो 10-10 डालता होगा। अभी अपने आपको अटकाओ मत, एक मत डालो, 10 डालो। ये तो जब आप स्टेबल हो जाओगे तो फिर आप एक डालोगे रोज की, लेकिन अभी तो आप 5 डाल सकते हो, 6 डाल सकते हो, जो भी चल जाएगी। हाँ,
ये तो आपके प्रिपरेशन में ना आप कितनी वीडियो बना सकते हो? हफ्ते में दो डालता था। मैं कहता हूं सैम कंटेंट से इस चैनल पे हमारा कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं है ना जी। सैम कंटेंट से कोई नहीं, नहीं कोई फर्क नहीं। अरबाज भाई करूंगा शॉर्ट्स का चैनल आप अलग बनाए जी, क्योंकि यार अभी आप उस लेवल पे स्ट्रगल तो हो गए नहीं हो गए लोग का अलग बनाए। आप ऑडियंस को कंफ्यूज ना करें, 30 सेकंड की ऑडियंस है बस 30 सेकंड। अरबाज भाई YouTube जो सिर्फ शॉर्ट एक मिनट है नो को भाई मेरी कंप्लीट करने दो भाई, वीडियो को कंप्लीट करने दो। हां शॉर्ट्स सिर्फ शॉर्ट्स ही डालो उस पे वीडियो। हां शॉर्ट्स वाला शॉर्ट्स पे लॉन्ग पे लॉन्ग डालो। अरबाज भाई मेरा क्वेश्चन है मार्केट और लाइफस्टाइल को दोनों एक साथ डाल सकते हैं? डाल सकते हो, मिक्स कर सकते हो, कोई बात नहीं। लेकिन पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि हाँ ये लोग प्रॉब्लम करते हैं। लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग अपनी लाइफस्टाइल दिखाते हैं। आपकी अपनी ऑडियंस अभी एक होते हैं टीजी, आपके टारगेट ऑडियंस, कि आप कुछ भी डालोगे तो देखेंगे। आपको पहले वो अपनी ऑडियंस बनानी पड़ेगी, तो इसलिए आप पहले सर्चेबल कंटेंट बनाओ कि यार मैं ये जगह जा रहा हूँ, ये जगह जा रहा हूँ, क्योंकि लोग फिर आपको देखने नहीं उस कंटेंट को देखने के लिए आएंगे। जैसे मान लो कोई ताजमहल सर्च करेगा तो रैंडमली हो सकता है उसे आपकी वीडियो मिल जाए, तो इसलिए पहले आप अपनी मत डालो। अच्छा उसके बाद फिर गाइस ये जो मेरा एक यूट्यूब पे सब्सक्राइबर महत्व देता है अभी उस व्यूज मैटर करता है, सब्सक्राइबर डजंट मैटर। सब्सक्राइबर एक नंबर है, सिर्फ एक नंबर है। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जिनके मिलियन सब्सक्राइबर हैं बट उनके व्यूज नहीं आते। और ट्रैवल में मैंने एक चीज करता है ना, उनके अंदर एक डर देखा है। मैं बहुत सारे क्रिएटर से मिला भी हूँ, वो सिर्फ आउट ऑफ इंडिया करा तो आउट ऑफ इंडिया ही करते हैं, वो यहाँ की नहीं बनाते, क्योंकि यहाँ की बनाएंगे तो व्यूज उनके चले जाते हैं। उनके अंदर इतना डर बैठ चुका है कि वो इंडिया की वीडियो बनाना चाहते ही नहीं है। यार आप बार बार रिपीट हो रहे हो ना यार, अच्छा नहीं लगता ना। तो सब सबको बहुत सारे लोगों ने नंबर नहीं आ पा रहा है। भाई के चैनल को आप सपोर्ट करें, इनका लोग होगा ना जी है। मैं आपको बताऊँ ऐसा हुआ कि हम अभी खाना खाने गए दिल्ली में आए हुए थे, एक साहब ने हमें दावत कर दी, तुम बैठे हुए बैठे हुए थे, वो हमारी वीडियो लेने लगा, तो बोले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं कर दें तो मैं वीडियो बोले कल से अपलोड करूंगा। ये क्या है और मैं यही चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्रमोशन डजंट मैटर। देखो सुनो सुनो, चैनल जो डेड हो रहे हैं ना उसका रीजन क्या है आप समझ नहीं रहे हो। सिग्मा वाली वीडियो वायरल हुई थी करीम नाइटी की, वो आप समझना नहीं चाहते इस चीज को, कमाना और खरीदना ऑडियंस, वही बता रहा हूँ भाई आप। देखो मेरा एक चैनल है अरबाज मिनी ब्लॉग, मैं पहले उसे कम्युनिटी में डालता था, अब नहीं डालता हूँ, मैं कभी नहीं डालता हूँ, आप चेक करो कभी नहीं डालता हूँ। उसमें रैंडमली व्यूज आ रहे हैं, कल एक वीडियो देखिए 13,000 पहुँच गई, सब्सक्राइबर 6,000 है। कई कुछ लोग ऐसे हैं जो उन्हें अभी बहुत टाइम लगेगा लेकिन आएंगे, तो मेरा भी ऐसे ही हुआ होगा ना भाई। प्रमोशन डजंट मैटर, मैटर करता ही नहीं, आपकी स्टोरी काम करती है। मैं ये कई बार ये मैं जो सवाल बता रहा हूँ ना, ये 90% सवाल वही कॉमन लौट के मेरे पास आ रहे हैं, वही सवाल है लौट के। अरबाज भाई मैंने अपने चैनल पे 50 वीडियो डाली, हाँ 10 वीडियो वायरल हुई, हाँ 40 पे भी मैंने उतनी ही मेहनत की जितनी 10 पे की थी। मैं दिन रात रिसर्च करता हूँ, स्टडी करता हूँ, हिस्टोरिकल प्लेसेस एक्सप्लोर करता हूँ, उनकी नॉलेज लोगों को प्रोवाइड करता हूँ, थंबनेल भी अच्छे से अच्छा डालता हूँ। तो वो 40 वीडियो मेरी क्यों रुकी हुई है? वो 10 पे भी उतनी मेहनत है, उन 40 पे भी। भाई YouTube पे हर स्टोरी को कोई पसंद नहीं करेगा ना, ठीक है? क्या सलमान खान की हर मूवी चलती है क्या? नहीं। यार मैं कोई बात कर रहा हूँ, आप डेली खाना खाते हो, हाँ कोई एक ही दिन का फेवरेट होगा ना आपका, बिल्कुल। आप डेली ड्रेस पहनते हो ना, एक ही फेवरेट होगी ना, हाँ। यही होता है YouTube पे। YouTube पे कोई एक वीडियो किल होती है, ठीक है? सुनो भाई मैं बता रहा हूँ, YouTube पर अगर 50 वीडियो डाल रहे हो ना तो 50 स्टोरी हिट नहीं करेगी, कोई एक स्टोरी हिट करेगी, उस स्टोरी की वजह से आप जाने जाओगे, उस स्टोरी से आप सेलिब बनोगे, बाकी आपकी जो 49 होंगी ना वो आपकी एवरेज होंगी, समझ रहे हो? ये किसी भी फील्ड में इतनी इंग्लिश कमजोर है मेरी। रियल में मैं क्या सोचता था, ये सोचता था नोमैड किसी का नाम होगा। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आए होगी, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, इन हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये वाला मीटअप अरबाज अरबाज भाई अरबाज ब्लॉग मीटअप था।